आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं 14 अगस्त की सुनवाई को लेकर कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे तो बिहार सरकार सारे नियम अपने अनुसार ही बनाती है, पर जब काम निकल जाता है तो या तो नियम बदल देती है या नियम को खत्म ही कर देती है। इसी का ताजा उदाहरण 2010 के विधानसभा चुनाव से संबंधित पत्र है, जिसमें बिहार सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि नियोजित शिक्षक बिहार सरकार के कर्मचारी हैं। इसी पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया था। एक और जहां इस पत्र में बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी बताकर चुनाव ड्यूटी करवा रही है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में यही बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी मानने से इनकार कर रही है। 2010 के विधानसभा से संबंधित ये पत्र बिहार सरकार के झूठ का सबूत है, जो कोर्ट में ये साबित कर सकता है कि बिहार सरकार अपनी जरूरत के अनुसार नियम बनाकर काम करती है और नियोजित शिक्षकों का शोषण भी करती है। आगे की सुनवाई में ये सबूत नियोजित शिक्षकों के पक्ष के वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जा सकता है, जिससे कि ये साबित हो सके कि नियोजित शिक्षक भी बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी ताजा खबरें प्रतिदिन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।